फोटोग्राफी एक नज़रिया, एक हुनर, एक कला। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मोबाइल से सिनेमैटिक वीडियोस बनाने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार करे हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि हमें अपने मोबाइल के कैमरे को ऑन कर लेना है। कैमरा ऑन होने के बाद वीडियो मोड ऑन करना है। वीडियो मोड ऑन होने के बाद हमें वीडियो सेटिंग्स में जाना है। वीडियो सेटिंग्स में जाने के बाद वीडियो रिजोल्यूशंस पे जाना है, और रिजोल्यूशंस में जाने के बाद मैक्सिमम रिजोल्यूशंस जो हमारे मोबाइल में अवेलेबल हैं उस रिजोल्यूशन में वीडियो को सेट कर देना है। रिजोल्यूशंस शायद आपके मोबाइल में 4K भी हो सकते हैं और फुल HD में भी हो सकते हैं। जितने भी हैं आप उसमें सेट कर लीजिए, और हायर फ्रेम रेट पर सेकेंड्स में सेट करिएगा। वो इसलिए कि जब हम वीडियो को रेंडर करें तो हमारी वीडियो की क्वालिटी रिमेनिंग सेम रहे और हमारी फ्रेम अटक अटक के ना चले रेंडर होने के बाद। अक्सर क्या होता है कि हम वीडियो रिजोल्यूशंस को 1080p पे रख देते हैं और मुश्किल से 25 फ्रेम रेट पर सेकेंड्स में फ्रेम्स को रख देते हैं, जिस वजह से जब हम वीडियो को रेंडर करते हैं तो हमारी वीडियो हल्की हल्की अटक अटक के चल रही होती है। आप लोगों ने बहुत गौर किया होगा, शायद आप सब ने ये देखा भी होगा और प्रॉब्लम से सफ़र भी करा होगा, तो ये गलती ना करिएगा। दूसरा पॉइंट, हमें अपने कैमरे की ग्रिड ओपन कर लेनी है, और जो भी वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे सारे हॉरिजॉन्टली रिकॉर्ड करेंगे। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ तो लैंडस्केप मोड में रिकॉर्ड करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात जो हमें ध्यान में रखनी है, हमें अपने स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करना है एंड फोकस को और एक्सपोज़र को लॉक कर देना है। फोकस और एक्सपोज़र इसलिए लॉक करना है ताकि जब हम वीडियो को मूव करें और डायरेक्ट सनलाइट पे वीडियो रिकॉर्ड करें तब हमारी फोकस और लाइट की प्रॉब्लम ना आए, जो अक्सर लोगों को देखने को मिलती है। जैसा कि लाइट कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, फोकस कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको ना हो, इसीलिए आपको ये दूसरा पॉइंट भी ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट, आजकल ज़्यादातर लोग अपनी वीडियोस में ब्लैक बार्स का यूज़ करने लगे हैं। ब्लैक बार्स मतलब आपने देखा होगा वीडियो में अप एंड डाउन साइड एक ब्लैक कलर की पट्टियाँ आती हैं, उसको ब्लैक बार्स कहते हैं। ब्लैक बार्स आजकल लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि उनकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमैटिक लगे। अच्छी बात है, उससे सिनेमैटिक वीडियोस लगती भी हैं, बट उनका यूज़ करना कोई फ़ायदेमंद नहीं होता। उससे वीडियो सिर्फ सिनेमैटिक लगती है, सिनेमैटिक होती नहीं है। सिनेमैटिक वीडियो के लिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हमें मीनिंग निकालना होता है। लाइक एग्ज़ाम्पल मैं आपको अगर बताऊँ, जैसे कि मैंने एक ड्रॉपलेट कैप्चर करनी है, रेन हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और मेरे एक फ्लावर में एक ड्रॉपलेट गिरी हुई है जो बहुत अलग दिख रही है। अगर मुझे उसको कैप्चर करना है तो मैं कैसे कैप्चर करूँगा, कैसे रिकॉर्ड करूँगा? सबसे पहले तो मैं उस ड्रॉपलेट और अपने छोटे से फूल की एक पत्ती को कैप्चर करने, रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा, लाइक रिकॉर्ड ही करूँगा, ठीक है? जब मैं पहले शॉट में उसको रिकॉर्ड कर लूँगा तो दूसरा शॉट जो अब मेरा नेक्स्ट शॉट होगा उसमें मैं उस फूल को पूरी तरह कैप्चर करूँगा, ड्रॉपलेट को कैप्चर करूँगा, उसके पीछे रेन गिरती हुई कैप्चर करूँगा और बहुत सारी लीव्स को कैप्चर करूँगा। सेम ऐसा ही तीसरे शॉट में उससे रिलेटेड जो ड्रॉपलेट को उसका मीनिंग दे सके कुछ ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड करूँगा। बस अब दो बातें और मैं आपको बताने वाला हूँ जो बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहली बात, हमें कम से कम ट्रांजिशन का यूज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्शंस का यूज़ करना है। ट्रांजिशन मतलब एक सीन से दूसरे सीन में जाने के लिए जब हम ट्रांजिशन यूज़ करते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। चलो, वीडियो में एक सीन से दूसरे सीन में बहुत सॉफ्टली जाने के लिए जो आजकल वीडियोग्राफर्स या सिनेमेटोग्राफर्स ट्रांजिशंस यूज़ कर रहे हैं, तो हमें वो कम से कम यूज़ करने हैं। और डायरेक्शंस, अब डायरेक्शंस क्या होती हैं आप ये सोचेंगे, डायरेक्शंस वो होती हैं जिसमें हम कैमरा को लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, अप टू डाउन, डाउन टू अप, फ्रंट टू बैक, बैक टू फ्रंट एंड रोटेट।
करते हैं उसे हम डायरेक्शंस कहते हैं। अगर हम डायरेक्शंस का यूज़ करते हैं तो हम अपनी वीडियो को एक सिनेमैटिक लुक और सिनेमैटिक तरीके से बना पाते हैं, क्योंकि हम जिस भी चीज़ का मीनिंग निकालेंगे उसको फ्लैट तो निकालेंगे नहीं, ऑफ कोर्स उसमें डायरेक्शंस का यूज़ होगा। इसीलिए डायरेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं सिनेमैटिक वीडियोस अचीव करने के लिए। दूसरी मेन बात, मुझे अपनी वीडियो को लास्ट में कलर करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम अपनी फ़ोटोज़ को क्लिक करते हैं और उसमें फ़िल्टर्स का यूज़ करते हैं, सेम वैसे ही कलर करेक्शन करना वीडियो में बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम कलर करेक्शन नहीं करेंगे तो हमारी वीडियो अट्रैक्ट नहीं करेगी, और अगर हमें अट्रैक्टिव वीडियो बनानी है तो कलर करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है।